नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। गांधीनगर कोर्ट ने गोधरा कांड के सभी आरोपियों को किया बरी। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 28 आरोपियों को किया बरी। सभी पर 2002 में हुए गुजरात के गोधरा कांड में आगजनी, हिंसा और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का लगा था आरोप। मुलायम सिंह ने एक बार फिर अखिलेश की जगह शिवपाल को दी तरजीह। कहा, अगले सोमवार को इटावा की जसवंत नगर सीट से प्रचार कर चुनावी अभियान का करेंगे आगाज। शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से हैं सपा के प्रत्याशी। गठबंधन को मजबूत करने आगरा में एक साथ आए राहुल अखिलेश। लखनऊ के बाद आगरा में एक बार फिर दोनों का साझा रोड शो। आगरा के बाद दोनों नेता 9 फरवरी को कानपुर में और 11 फरवरी को मोदी के काशी में भी करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मेरठ में स्थगित की पद यात्रा। अखिलेश और राहुल पर जमकर बरसे। कहा, एक ने देश को लूटा, दूसरे ने प्रदेश को। एटीएम के बाद अब बैंक बचत खाते से कैश निकासी की खत्म हो सकती है सीमा। आरबीआई जल्द कर सकता है ऐलान। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, बैंकों में नए नोट डालने का काम हो चुका है पूरा। और पेरिस में चाकू से हमला कर रहे शख्स को सैनिक ने मारी गोली। आरोपी शख्स चाकू के साथ लूवर म्यूजियम में घुसने की कर रहा था कोशिश। सिक्योरिटी के रोकने पर चाकू से किया हमला। स्थानीय पुलिस ने लूवर शॉपिंग केंद्र को एहतियात के तौर पर कराया खाली। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।